वालेकुम बहन भाइयों हमारे फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरे प्यारे बहन भाइयों उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती फरमाएँ आज का बहुत प्यारा मल जो कभी किसी ने नहीं आपको बताया होगा आपने परी मोकल के अमल तो बहुत ज़्यादा देखे होंगे लेकिन इससे आसान अमल आपको कभी भी नहीं मिला होगा अमल सूर्य अखलास का है और बहुत बाबरकत है जिस घर में भी इस परी मोकल की हाज़री होगी आप यकीन माने वो उस घर में से जादू कभी कोई नहीं कर सकता ख़त्म हो जाएगा आसेब जन्नात साया जो भी होगा ख़त्म हो जाएगा दौलत पैसा रिस्क बेहिसाब आएगा पर जो तरीका समझाया जाए अगर उसमें ज़रा सा भी फ़र्क़ होगा तो परी हाजिर ज़रूर होगी लेकिन ज़ाहर नहीं हो पाएगी ठीक है आपकी मदद तो कर जाया करेगी लेकिन फिर ज़ाहर नहीं होगी कभी भी तो ठीक से तरीक़ा इसका सुने नबी अलैहि वसल्लम की यह हदीस से शुरू करते हैं जमज़म रसूल वसल्लम ने नेतद फ़रमाया जमज़म का पानी जिस मकसद के लिए पिया जाए जिस मकसद ये फ़ायदे के लिए पिया जाए वो पूरा हो जाता है सुबह अल्लाह तो जब भी आप जमसम पिए अल्लाह से दुआ मांगे और इन जो भी आपकी दुआ है वो कबूल हो जाएगी सुबह अल्लाह सुबह अल्लाह अल्ला परी मोकिल में तमाम जो वीडियो है वो मदरसा फातमत तो लबनात की तरफ से पेश की गई हैं इसतारा रूहानी इलाज के लिए अमलियात सीखने के लिए लोगों की मदद करने के लिए आप अपनी बहन से मदद हासिल कर सकते हैं आमिल एक नेक रहम दिल आमिल बने और अल्लाह के वली का रुतबा हासिल करें ठीक है परी मोकिल जो हर काम करे इन शह बशर्त जब अल्लाह का हुक्म हो अल्लाह का हुक्म होना तो ज़रूरी है ना अल्लाह के ये भी अल्लाह के बनाए हुई मखलूक है ठीक है जो हर इंसान की मदद करते जैसे फरिश्ते मदद करते हैं ठीक है दिन इतवार वाले दिन का हो वक्त ईशा की नमाज़ के बाद का हो अमलियात का वक्त हमेशा जो उन है रात का रखें दब खामोशी भी होती है और अमल करने में एक कहते ना अमल करने में अल्लाह से कलाम करने में एक लज्ज़त होती है एक मोहब्बत होती है तो इसलिए जुकात इसकी एक गुलाब का फूल है जुकात एक गुलाब का फूल है ठीक है एक गुलाब का फूल लेकर आना है आपने और खिलाइएगा और द्रुद पाक एक बार तेतीस मरतबा सूर्य खलास नमाज की पाबंदी है तहजद भी पढ़ सकते हैं अमल की तादाद तैतीस बार अब परी और मोकिल जो एक तो होता है ना परी और मोकिल अलहद अलग होते हैं ये इकट्ठे हैं ठीक है परी व मोकिल परी जो मोकिल की सूरत में होती हैं उसके बारे में बयान किया जा रहा है एक सुरख रंग का गुलाब आपने लाना है सुरख रंग के गुलाब को एक सादा साफ़ कागज़ के अंदर उसको लपेट देना है लपेटने के बाद आपने उसके ऊपर सुर अखलास एक मरतबा पढ़नी है पढ़ने के बाद आखिर में कहना है कि कल हम आपको बुलाएंगे, कल आप हाजिर होंगे उसके बाद जब आप ये कह दें कल हम आपको बुलाएंगे और आप हाज़िर होंगे तो बस फिर गुलाब को किसी अंधेरी वाली जगह पर रख दें सफ़ेद कागज़ में किसी की नज़र ना पड़े जब आपने गुलाब को एक दिन रख लिया दूसरे दिन सुबह दस बजे के बाद उसको बिल्कुल बारीक पीस लें बिल्कुल बारीक पीस लें थोड़ा सा पानी मिक्स करके ये बिल्कुल गुलाब का खुद भी पानी उसके अंदर होता है तो बिल्कुल बारीक पीस लें और उसके अंदर एक रुई को तरब कर लें तरबर का मतलब होता है रुई को अच्छी तरह डिबो दें जो गुलाब का अतर होगा उसके अंदर ठीक है अब आपने जब गुलाब का जब रुई जोन सी है ठीक है वो जब अच्छी तरह से भीग जाएगी गुलाब का पानी और पत्ते जो उन रुई को अच्छी तरह अपने अंदर जस्ब कर लेंगे फिर उस रुई को खुशक होने दें दो घंटे के लिए अब रुई को जला दें जैसे जैसे जलाएंगे ना तो वो बिल्कुल जैसे कोयला होता है ना बिल्कुल ऐसे बन जाएगी बिल्कुल स्याह हो जाएगी रुई जल कर जब रुई जल कर स्याह हो जाएगी ना तो उसके अंदर थोड़ा सा चमेली का जो ऑयल है वो इस्तेमाल कर लें या कोई भी असेंशन ऑयल इस्तेमाल कर लें पर चमेली का करें तो ज़्यादा बेहतर है करने के बाद एक स्याही बना लें ठीक है अब उस स्याही से एक गोल दायरा ऐसा लगाएँ ठीक है ये गोल दायरा लगाएं दरमियान में आपने परी ही लिखना है बा दाल हा जीम ये भी लिखना है अब आपने इस जो ये जो दायरा है जहाँ पे परी लिखा है ठीक है ना अब आपने क्या करना है ये जो नक्श है अगर किसी बच्चे के पर हाज़री कर रहे हैं या बच्चा बच्चे को दिखा रहे हैं क्योंकि बच्चों की रूहानियत बहुत तेज़ होती है पर यह जल्दी हाज़िर हो जाती है उन पर ठीक है ना दस साल की उम्र के बच्चे के ऊपर तो जल्दी जाहिर हो जाती है अगर बच्चा नहीं है कोई तो ख़ुद पर हाज़री का तरीका ये मैं समझा रही हूँ तो अपनी सीधी बाज़ू पर नक्श को बांधें बिल्कुल ऐसे ही बनाइएगा नक्श नक्श बनाने के बाद आपने अमल शुरू कर देना है इसके जो तैतीस बार आपने जो सुर खलाश पढ़नी है वो पढ़नी है काजल जो आपने वो स्याही बनाई थी ना अतर वाली स्याही उस, उसके ऊपर तैतीस मरतबा सुर खलाश पढ़नी है पढ़ने के बाद आपने ये जो परी वाला हिस्सा है ना परी वाले हिस्से में जब परी का नाम लिख दें तो ये जो काजल आप तैयार करेंगे ना स्याह तो काजल को फिर परी वाले हिस्से में लगा दें इस गोल दायरे को इस गोल दायरे को आप फुल भर दें ब्लैक कलर से ठीक है गोल दायरे को फुल आप भर दें इसको ब्लैक कलर से जब आप भरेंगे ना तो हाज़िरी इधर ही होगी पड़ेगी ठीक है आप इसको बिल्कुल गोल दायरे को ना आप भर दें ऐसे परी वाली जगह पर इसको स्याही से भर दें गोल दायरा लगा दें ठीक है इसको भर दें अच्छी तरह इसका कहीं से फ़ैद हिस्सा नज़र ना आए जब आप इसको भर देंगे ना भरने के बाद आपने सूर्य खलाश को आपने जब तैतीस मरतबा आपने स्याही के ऊपर पढ़ कर तो इसके ऊपर मतलब कि लगा दिया है गोल दायरा बना दिया है ब्लैक कलर का अब आपने सूर्य खलाश को अव्वल और आखिर द्रूशिफ़ के साथ तैतीस मरतबा पढ़ कर आँखें बंद कर लें और इसके पर जब दम करेंगे ना पहली दफ़ा में दूसरी दफ़ा में तीसरी दफ़ा में परी हाजिर हो जाती है हाजिर करें ना कि उन्हें कैद करें ठीक है इस अमल को तीन दिन दोहराएं अमल को तीन दिन दोहराएं ताकि आप परी खुद ब खुद ही आपसे मुतासर हो जाएँ और आपके साथ आपके घर में ही रहना शुरू कर दे ठीक है ना और आप जब भी उसको तीन मरतबा सूर्य खलास पढ़ के पुकारें तो वो इस दायरे में हाजिर हो जाए आँखें बंद करके ये अमल करें आँखें बिल्कुल भी आपने ये नहीं देखना जब तक आप सूर्य खलास अव्वल आखिर तैतीस मरतुरुशी के साथ नहीं ना पढ़ लेते आपने आँखें खोलनी ही नहीं है ये बात याद रखिएगा इतवार ठीक है पीर पीर वाले दिन भी नबी पा वसम का दिन होता है पीर वाले दिन भी बहुत नायाबी अमल होता है पीर वाले दिन भी हाजरी हो जाती है ठीक है इतवार और पीर को ही हाज़री फिर दोबारा आप इनसे करवा सकते हैं आपके किसी को जादू या सफलीलम है आप अल्लाह के हुक्म से सर खलास पढ़े और जादू और ख़त्म करवाने के लिए परी को हुक्म दे कि हमारे घर में जादू जितना भी है उसको ख़त्म कर दें वो ख़त्म कर देंगी दौलत पैसा रिस्क की कभी तंगी नहीं होगी क्योंकि वो ख़ुद अल्लाह पाक की मखलूक ऐसी है जो हर वक़्त इबादत में रहती है हर वक़्त उनको और को कोई काम नहीं सिर्फ़ अल्लाह की इबादत सिर्फ़ अल्लाह की इबादत ठीक है ना तो ये अमल ज़रूर कीजिएगा देखिए मेरी बात सुने जब हम गोश्त खाते हैं ना तो जब हम गोश्त की जो हड्डियाँ होती हैं उनके ऊपर अगर तीन मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़कर कर हम किसी कोने में रख दें तो या किचन में कहीं पर भी रख दें तो जिन्नात के लिए वो खाना बन जाता है और वो जिन्नात जो उनसे हमारे मुस्लिम बहन भाई होते हैं वो खाना वो खाते हैं ठीक है अल्लाह की तरफ से उनके उस खाने के ऊपर रिस्क आ जाता है और वो उस रिस्क को फिर खाते हैं तो हर जब भी आपके घर में रिस्क की तंगी हो ना तो अगर आपके घर में कभी गोश्त बने तो उनकी हड्डियों पर तीन मरतबा बसमिल्ला पढ़ कर किसी भी जगह किसी कोने में रख दें तो यकीन माने उस घर में तो फाका कशी कभी भी नहीं होती और ये मेरा अपना आजमाया हुआ अमल है जब भी अल्लाह पाक मुझे रिस्क अता फरमाते हैं और गोश की सूरत में अता फरमाते हैं तो जो हड्डियाँ होती हैं मैं मदरसे में बच्चों को भी यही कहती हूँ और ख़ुद भी यही अहतमाम करती हूँ कि गोश के, के प्रति तीन दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़ कर अल्लाह से दुआ की जाए और यकीन माने कि बेहसाब रिज़ अल्लाह पाक अता फरमाते हैं दौलत पैसे की तो कमी नहीं रहती ठीक है तो ये अमल एक दफ़ा करके भी देखिएगा फाका कशी ख़त्म हो जाएगी बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी आपके घर में वो जो जिन्नात होते हैं ना जो मुस्लिम जो फरिश्ते होते हैं या इस तरह वो सारी बीमारियाँ परेशानियाँ अपने ऊपर लेना शुरू कर आप किसी भी परिंदे को घर में रखें जानवर को घर पर रखें तो जब भी कोई तकलीफ़ आएगी पहले वो अपने ऊपर लेंगे और फिर आप तक पहुँचेगी ठीक है तो आप इस चीज़ को हमेशा याद रखें सुरखलास बहुत बाबरकत है ठीक है और अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद तीन मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़े और एक मरतबा सूर्य खलास पड़ें तो यकीन माने गैब से रिस्क आता है कहीं ना कहीं आपके घर में भी रिस्क के ढेर लगना शुरू हो जाएंगे और ये नहीं है जो जो रब है वो पत्थर में जब कीड़े को दे सकता है तो आपको भी आपके घर में कहीं से भी रिस्क दे सकता है और इतना रिस्क की आपकी सोच होगी एक दफ़ा ये अमल करके देखें रिस्क के लिए भी ये अमल ज़रूर करें इन बेहिसाब आपके पास रिस्क आ जाएगा दौलत पैसा रिस्क जो इन है अल्लाह की देन होती है तो वो इन शाला आप तक पहुँच जाएगी इसी के साथ अपनी बहन को इजाज़त दें अपना ख्याल रखिएगा जजाकल्ला ख़ैर है प्यारे बहन भाइयों अगर आप इस रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं या, या अमल करवाना चाहते हैं या अमलियात सीखना चाहते हैं तो, तो हमारे फेसबुक ऑप पर आकर आप फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं हा? हा?? और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पर हमसे बात कर सकते हैं जो भी मसला परेशानी है उसमें ज़रूरत आपका नाम आपकी वालदा का नाम सिटी कंट्री मौजूदा और मसला बयान ये चीज़ें बताकर आप अपना इस्तखारा भी करवा सकते हैं जजाकला और अगर आपने इस्तारा करवाना है तभी रहा करें अगर इस्तारा नहीं करवाना तो ये दीन है ये कोई फ़न या एंटरटेनमेंट नहीं है अपना भी टाइम ज़ाया ना करें और मदरसे वालों का भी टाइम ना ज़ाय करें आपकी वजह से बहुत से ऐसे लोग जो परेशान हाल घरों में हैं उनकी भी बात फिर नहीं सुनी जा सकती जैसा कला